गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज़ में 25th ऑफ सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और 25th ऑफ सितंबर के द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर पीडीएफ होगी उसमें आप इस स्लाइड से पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो हम अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो अभ्यास के अंदर यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। नेशनल सर्विस स्कीम के ऊपर एक एमसीक्यू है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस को डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में देखेंगे। देन क्विक रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ऑफ द वर्कर्स कोड के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को भी देखेंगे कि कहाँ पे इसको बनाया गया है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज बिल जिसको भी रिसेंटली पास किया गया है इसको देखेंगे। देन वन हॉर्न्ड राइनोस के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अनअकैडमी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस जो है वो मिल जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आप जो एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं वेरियस टॉपिक्स को, अपने डाउट्स जो होते हैं वो क्लेरिफाई कर सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन क्विजेज जो होते हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे वेरियस सब्जेक्ट्स को लेके, और ये जो एक्सेस रहने वाला है आपका अनलिमिटेड रहने वाला है। तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब करते हैं फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स के लिए, तो जो कोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज जो कोर्सेज और नए डाले जाते हैं उसके ऊपर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहने वाला है, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। देन यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगी अनअकैडमी की वो आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप स्टोर से भी ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, बेसिकली आप जो वीडियोज़ देखते हैं वो वीडियोज़ को आप डाउनलोड कर पाएंगे और मल्टीपल टाइम उसको देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर पाएंगे और जो क्विजेज़ हैं उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एरिया हिस्ट्री भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का तो एक मेजर पोर्शन रहता ही है। अगर हम प्री मेंस इवन इंटरव्यू की भी बात करें, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके भी 200 से ज़्यादा कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेलेबल आपको कराए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा इशू रहता है, एक ऐसा कोर्स है जो कि बेसिकली ये एरिया जो है काफ़ी टिपिकल रहता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी के भी 100 से ज़्यादा कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके आर्ट एंड कल्चर तक सारे एरियाज को कवर किया गया है। देन एनसीईआरटी की जो समरी है, देखिए ये जो है बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जब भी कोई बिगिनर पूछता है कि तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए तो सबसे पहले उसको एनसीईआरटी के बारे में ही बताया जाता है कि आप एनसीईआरटी से अपना बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देन अगर कोई एडवांस प्लेयर्स हैं जो कि आंसर राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी की बात करें तो यहाँ पे वेरियस सब्सक्रिप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक महीने से लेके 12 महीने तक के जो वेरिएबल पैकेज है काफ़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दी गई है, उसमें से कोई भी पैकेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप PL10 कोड को यूज़ कर लीजिएगा विच इज़ माई कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। इस कोड को यूज़ करने के बाद, PL10 कोड को यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट जो है वो आपको वेरियस कोर्सेज के ऊपर मिल जाएगा जितने भी महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं। 12 से 24 महीने के जो कोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहीं मिलेगा और यहाँ पे अराउंड 3,500 और 2,500 पर मंथ आपको इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है। चलिए यहाँ पे एक बार मार्किंग स्कीम जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपर टू ब्रैकेट्स जो है ये आपका सेफ जोन कहलाता है बिकॉज यहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। लेस देन 6 अगर आप स्कोर करते हैं तो यू विल बी इन द डेंजर जोन, आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। डेंजर जोन में जब आप आते हैं तो आपको एक बार दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। दोबारा अटेम्प्ट करने से क्या होगा, बेसिकली आपकी जो रिवीजन होगी वो हो जाएगी और जो आपके मार्क्स मान लीजिए 2 या 3 आपने स्कोर किए उसमें इंप्रूवमेंट आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। और देन अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है, कोई स्टेटमेंट आ जाती है, वहाँ पर आपसे गलती जो होगी उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभ्यास के बारे में है, पूछा गया व्हाट इज़ अभ्यास। अभ्यास क्या है, क्या ये कोई एंटी टैंक मिसाइल है, इंडिजिनस टैंक है, कोई एयर व्हीकल है या फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। रिसेंटली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अभ्यास को लॉन्च किया है। यहाँ पे इसके सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो हैं वो करे गए। इट इज़ एन इंडिजिनसली डिजाइंड एयर व्हीकल, ये एक एयर व्हीकल है जो कि इंडिजिनसली डिजाइन किया गया। अभ्यास जो है इसको अभ्यास हीट भी कहा जाता है, हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एयर या एरियल टारगेट,
यहाँ पे इसे ओडिशा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय ADE। ADE क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO के अंदर ही आती है। यह है क्या, बेसिकली इट्स मोर लाइक अ ड्रोन, एक ये UAV की तरह काम करता है, ठीक है, और वेरियस मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ फोटो में कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये UAV, जो कि मिसाइल सिस्टम को टारगेट करेगा। तो अब आपको अभ्यास के बारे में पता चल गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, तो यहाँ पे जो अभ्यास है इसके अंदर जो नेविगेशन किया जाता है ना, नेविगेशन MEMS, दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो होता है, ये उस पर बेस्ड रहता है। इसका जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन है वो MEMS पे बेस्ड है। अब MEMS क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के बारे में ही है, पूछा गया MEMS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेज। तो एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इट कैन कंबाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ये कंबाइन कर सकती है टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ लाइट वेट एंड रिलायबल बट कंज्यूम्स हाई पावर। ये जो टेक्नोलॉजी है लाइट वेट है और काफ़ी रिलायबल है बट काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है। सोचिए, चलिए देख लेते हैं अभी इसके बारे में। तो अगर हम MEMS के बारे में देखते हैं तो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल, नाम में ही इलेक्ट्रो मैकेनिकल है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से मिलके बनी है ये जो सिस्टम है। इस ये जो टेक्नोलॉजी है इट्स अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी जिससे टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेज जो हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर जिसे कहें टाइनी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इट कंबाइंस कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स विद बीम्स, गियर्स, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप्स, डायफ्राम्स, लीवर्स, स्विचेस, सेंसर्स एंड हीट कंट्रोलर्स, ऑल ऑफ देम माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो ये जो इसकी एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया गया है। सो इज इट अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको बताया दिया, येस इट्स अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी जिससे कि इंटीग्रेटेड टाइनी बहुत छोटे छोटे इंटीग्रेटेड डिवाइसेज या सिस्टम्स बनाए जाते हैं। तो पहली आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, इट कैन कंबाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये तो मैंने आपको पीछे बताई दिया कि दोनों ही टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर सकता है। एट द सेम टाइम काफ़ी रिलायबल होता है, लाइट वेट होता है, और जो एनर्जी भी होती है वो काफ़ी कंज्यूम करता है, तो वेरी लेस पावर इज यूटिलाइज बाय सच सिस्टम्स और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं ये, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, ए, बिकॉज ये क्या करते हैं, टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेज बनाते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि काफ़ी लेस पावर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ये स्लाइड जो थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसके बारे में पूछता है, नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में पूछ रहा है कि नेशनल सर्विस स्कीम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अभी हुआ क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने क्या किया है, नेशनल सर्विस स्कीम जो इसको कन्फर किया, इसके जो अवार्ड्स हैं 2018-19 के, उसको रिसेंटली कन्फर किया है, उसको रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे इस स्कीम को लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, आपको पता है दो होती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1969, इसे 1969 में लॉन्च किया गया था। थर्ड, इट्स वॉलंटियर्स आर इन्वॉल्व इन रेस्क्यू एंड रिलीफ ड्यूरिंग कैलामिटीज़। इसके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ का जो काम होता है कैलामिटी के टाइम पे, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उस टाइम पर, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में देखें, तो इज इट अ नेशनली और या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो नहीं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। डिफरेंस बताया था एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ, सेंट्रल सेक्टर में पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है क्योंकि सेंटर का अपना सेक्टर है, मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि सेंटर कुछ पार्ट स्पॉन्सर करती है, स्टेट कुछ पार्ट स्पॉन्सर करते हैं, इसलिए आपने रेशियोज देखी होंगी कि सेंटर स्टेट इसको 60:40 में ले रहे हैं, हिमालयन स्टेट्स के लिए 90:10 का रेशियो रहता है, ठीक है। तो पहली चिप हमारे यहाँ पे गलत हो जाती है, इसी वजह से बी और डी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचा ए और सी। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1969, तो 1969 में इसे लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और यहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका मेन काम जो है वो रेस्क्यू रिलीफ का ही होता है अगर कोई भी कैलेमिटी आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है,
किसको लेकर, नेशनल सर्विस स्कीम को लेके। रिसेंटली यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं उनको कन्फर किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बात करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज को लेकर। पूछा गया कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस जो है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली के अंदर लोकेट करता है, हो सकता है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी, तो यहाँ पे जो पूरा नाम है इसका वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, ये भी हो सकता है। फोरेंसिक साइंसेज प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर फोरेंसिक साइंस जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोचिए, चलिए, तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 जो है इसको पास किया है, और अभी रिसेंटली राज्यसभा ने इसे क्लियर किया है, लोकसभा ने तो ऑलरेडी इस बिल को पास कर रखा था, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन बनाया। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की और ये इसकी लोकेशन की, तो येस ये न्यू दिल्ली में लोकेट करता है, बिल्कुल सही बात है ये। और फोरेंसिक साइंस जो होती है काफ़ी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करती है। अब बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये किसके ऊपर इसका नाम रखा गया, तो यहाँ पे बिल सबसे पहले तो ये जानिए कि एस्टैब्लिश करता है गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बिल एस्टैब्लिश करता है, कहाँ पर, गांधीनगर के अंदर। और जो पर्टिकुलर इस पूरा जो आपका न्यू दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है इसका पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो पूरा नाम क्या है, LNJP लोकनारायण जयप्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे नहीं है ये, लोकनारायण जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे है, ठीक है। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब बात आती है कि फोरेंसिक्स वाले बताते क्या हैं, देखिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो होता है ना उसका काम होता है ये बताना, पहले तो वो देखते हैं कि कहाँ पे वेपन को यूज़ किया गया और जहाँ पे कट होता है या फिर जहाँ पे भी वूंड होता है वहाँ पर देख के वो बताते हैं किस टाइप का वेपन यूज़ किया गया होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या रहा होगा, वो पूरा का पूरा जो सीन होता है ना क्राइम सीन उसको रिक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों ने डेक्स्टर देखा है, बट डेक्स्टर इज़ अ शो जिसमें जो मेन कैरेक्टर है ही इज़ फ्रॉम द फोरेंसिक्स, वो फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में होता है, वहाँ पर अगर आपने वो देखा तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस तरीके से फोरेंसिक्स वालों का काम कैसे होता है, कैसे वो ब्लड स्पैटर को देखते हैं कि किस वेपन को यूज़ किया गया और अगर ब्लड जब निकला होगा तो वो किस डायरेक्शन में गया होगा, इससे केस को सोल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें जो है फोरेंसिक्स के बारे में बता रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। विच आर द फॉलोइंग फीचर या फीचर्स आर पार्ट ऑफ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर कोड लेके आया गया है किस चीज़ को लेके, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इसको लेकर इसके फीचर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीन दे रखे हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर इससे बिलोंग करता है। पहली स्टेटमेंट कहती है फ्री हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर बाय द एम्प्लॉयर फॉर वर्कर्स विच आर मोर देन अ सर्टेन एज, अगर एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा के वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका एक बार साल में हेल्थ चेकअप कराना, ये इस कोड के अंदर दिया गया है। लीगल राइट फॉर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर गिवन टू वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लीगल राइट जो है अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिलनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर भी वर्कर्स को दिया गया है। देन सिने वर्कर्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज ऑडियो विजुअल वर्कर्स, तो जो सिने वर्कर्स हैं उनको ऑडियो विजुअल वर्कर्स के तौर पर डेजिग्नेट किया गया, कैटेगराइज किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बताऊँ कि लोकसभा ने कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो है इसको रिसेंटली पास कर दिया है, सो इट इज़ ऑलरेडी पास्ड। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स डाले गए हैं। तो यहाँ पे पहला जो फीचर था फ्री हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर किया जाएगा, एक सर्टेन एज से अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो ये एम्प्लॉयर आपका कराएगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लीगल राइट होगा आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर को मिलने का, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सिने वर्कर्स जो हैं उनको ऑडियो विजुअल वर्कर्स कैटेगरी में डाला गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को पर्टिकुलर एक OSH कैटेगरी होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जा सके, दैट इज़ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कैटेगरी उसके अंदर लाया जा सके। पहले क्या होता था, पहले ये जो सिक्योरिटी है सिर्फ आर्टिस्ट को मिला करती थी, सिनेमा के अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मिला करती थी, लेकिन अब सिने वर्कर्स जो भी वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं सिनेमा वर्ल्ड के अंदर उनको ऑडियो विजुअल के तौर पे कैटेगराइज किया जाएगा और ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये उनको भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पैराडाइम है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, उससे पहले स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की अनअकैडमी के ऊपर मेरी एक सीरीज है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, इसे सर्च कर लीजिएगा और इसे ज़रूर आप अटेम्प्ट करिएगा। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी जो बुक है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? बिकॉज रिसेंटली लोकसभा ने आपका जो IR कोड है 2020 इसको रिसेंटली पास किया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन फॉर 4 members इंस्टेड ऑफ 1 member इन द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो जो अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हुआ करते थे जिसमें 1 member हुआ करते थे, अब उसमें 4 member होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन फॉर टेकिंग द मैटर स्ट्रेट टू द ट्रिब्यूनल इन केस द डिस्प्यूट इज नॉट रिजोल्व एट कंसिलेशन स्टेज। अगर जो डिस्प्यूट है कंसिलेशन स्टेज पे वो सोल्व नहीं होता है तो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जाने का भी यहाँ पर प्रोविजन बनाया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बैकग्राउंड मैंने आपको इसका बता दिया है कि लोकसभा ने रिसेंटली से पास किया है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 member पहले हुआ करते थे, अब उनकी जगह पे 2 members कर दिए ताकि अगर 1 member एबसेंट भी है तो जो दूसरा मेंबर होगा उनके जो यहाँ पे सुपरविजन होगा उसके अंदर काम चलता रहेगा, जो भी मीडिएशन का काम होता है वो चलता रहेगा। पहले क्या होता था, एक ही मेंबर होते थे यहाँ पे ट्रिब्यूनल के अंदर और वो एबसेंट है तो काम यहाँ पे रुक जाता था, जो पूरी कार्यवाही होती थी वो रुक जाती थी। तो यहाँ पे 4 member का प्रोविजन नहीं है, 2 member का प्रोविजन बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन है कि आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल में केस को लेके जा सकते हैं अगर कंसीलिएशन स्टेज के ऊपर आपका जो यहाँ पे केस है वो रिजोल्व नहीं हुआ है। एट प्रेजेंट केस इज रेफर टू द ट्रिब्यूनल बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरीके की है और अभी क्या होगा, कंसीलिएशन स्टेज में अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं मिल पाया है तो डायरेक्टली आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली हमारी इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रीस्किलिंग रेवोल्यूशन को लेकर है। पूछा गया रीस्किलिंग रेवोल्यूशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बताना है। पहली कहती है इट इज स्टार्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सेकेंड, इंडिया इज अ मेंबर स्टेट, इंडिया जो है इस रीस्किलिंग रेवोल्यूशन का मेंबर है, ये भी हो सकता है। इट एम्स टू प्रोवाइड 1 billion पीपल विद बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड जॉब्स बाय 2030। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक बेटर एजुकेशन, बेटर स्किल्स, बेटर जॉब्स जो है 1 billion लोगों को प्रोवाइड करनी है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसे पास किया गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करता है क्योंकि प्रोविजन फॉर रीस्किलिंग फंड ये एक बनाया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। और ये जो पर्टिकुलर रीस्किलिंग फंड है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इसका इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों को स्किल करने के लिए जिनको रिसेंटली जॉब से फायर किया गया, जॉब से हटाया गया, तो उन लोगों को रीस्किल किया जाएगा ताकि फर्दर एम्प्लॉयमेंट को वो ले सके। अब बात आती है क्या इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है? तो यस, इट इज स्टार्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है और रीस्किलिंग रेवोल्यूशन जो है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर भी इसका मेंशन किया गया था। बात करें क्या यहाँ पे इसका टारगेट 1 billion पीपल को बेटर एजुकेशन स्किल और जॉब देना है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। 2030 तक इसका टारगेट है कि 1 billion लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्किल्स और अच्छी जॉब्स दी जा सके। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? क्या न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, गुजरात में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, आई होप सोच लिया होगा आपने इसको। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है उसको गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभी हुआ क्या है, देखिए पार्लियामेंट ने रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 को पास किया है। राज्यसभा ने इस बिल को सितंबर 22 को क्लियर किया है और लोकसभा तो इसको ऑलरेडी जो थी पास कर चुकी थी, तो पार्लियामेंट के पास करने के बाद ये जो बिल है पूरी तरीके से पास किया जा चुका है। अब बात करते हैं बिल, देखिए बिल क्या एस्टैब्लिश करता है, बिल एस्टैब्लिश करता है जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है इसको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन गुजरात अब कहा जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय वर्ड जो है वो ऐड किया गया है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात को बनाया गया था रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के हिसाब से।
रक्षा, शक्ति, यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के हिसाब से इसे बनाया गया था, और अभी जो बिल पास किया गया उसके हिसाब से अब इस रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन गुजरात के तौर पे जाना जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, नोमेनक्लेचर में चेंज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IIIT की, और इसको लेकर बिल 2020 जो है वो अभी रिसेंटली पास किया गया। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो पार्लियामेंट थी काम नहीं कर पा रही थी, रिसेंटली काम करना शुरू किया कोरोना के बाद, तो इस वजह से काफ़ी सारे बिल्स जो पेंडिंग थे वो अब धीरे धीरे करके पास किए जा रहे हैं, और हम एक एक बिल के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि कहाँ पे किसके प्रोविजन क्या हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। तीन स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे IIIT के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली क्या कहती है, द बिल सीक्स टू डिक्लेयर 5 IIITs सेट अप अंडर द PPP मॉडल एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो IIITs को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने की बात करी जा रही है इस बिल के हिसाब से। मे बी द बिल सीक्स अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए बिल कह रहा है। The central government will contribute 50% towards the expenses of institutes functioning under the PPP model. तो जो ये PPP model जो है public private partnership का जो model है इसके अंदर central government 50% का expenditure करेगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लोकसभा ने ऑलरेडी इस बिल को पास किया हुआ था, और राज्यसभा ने जो हमारा IIIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल इसको रिसेंटली पास किया है। बिल क्या करता है, बिल सीक्स टू अमेंड, किस चीज़ को अमेंड कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014 को ये अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं IIITs की, यहाँ पे बिल क्या कह रहा है, बिल कह रहा है कि 5 IIITs जो है जिनको PPP मॉडल के अंदर बनाया गया है क्या इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो दर्जा है वो दिया जाना है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो दर्जा है, जो स्टेटस है, वो इनको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पे सेंटर के एक्सपेंडिचर की बात करें तो यस, सेंटर इसके अंदर 50% एक्सपेंडिचर करता है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, और इसी वजह से आंसर आपका सी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो वन हॉर्न्ड राइनोसरस के बारे में है। रिसेंटली जो है वन हॉर्न्ड राइनोसरस के बारे में स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करी गई थी हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाया, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली सितंबर 22 को वर्ल्ड राइनो डे जो है उसको भी सेलिब्रेट किया है, उसको भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस राइनोस डे को लेकर वो है कि जनरल अवेयरनेस जो है वो फैलाना, और साथ में ही जो राइनोसरस वेरियस टाइप की जो थ्रेट्स जो हैं वो फेस करते हैं, पोचिंग का थ्रेट है, इनका शिकार कर लिया जाता है इनके सींग की वजह से, वो सब चीज़ों को रोकना और डिस्करेज करना है। अब हम बात करते हैं वन हॉर्न राइनो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द राइनो स्पीसीज। देखिए वन हॉर्न्ड राइनोस के अलावा सुमात्रन राइनो, ब्लैक राइनो, काफ़ी सारी टाइप्स होती है, तो उसमें ये सबसे बड़ा होता है। मे बी इट्स हैबिटेट इंक्लूड्स इंडिया एंड नेपाल, इसका जो हैबिटेट है ये इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं। थर्ड इट इनहैबिट्स द एलुवियल ग्रासलैंड्स ऑफ द तेर्राई एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो तेर्राई और ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है उसके जो ग्रासलैंड्स है ये वहां पर पाए जाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए मैं एक बार आपको टाइप्स दिखा देता हूं। तो ये 5 स्पीसीज जो है राइनोस की देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सुमात्रन राइनो है, ब्लैक राइनो है, देन आपका वन हॉर्न्ड राइनो है, यहाँ पे वाइट राइनो है, और ये जावन राइनो है जो कि जावा से आता है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स देखें, सबसे बड़ा जो है वो हमारा वन हॉर्न्ड राइनो होता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में, नेपाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, इंडिया में। पहले इसकी जो संख्या थी अराउंड 200 से भी कम हो गई थी, अगर हम 20th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करते हैं, जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी तो इसकी संख्या 200 से भी कम थी, क्योंकि काफ़ी शिकार किया जाता था इसका। लेकिन धीरे धीरे हमने वेरियस कंजर्वेशन मेजर्स लेने शुरू किए, और आज इसकी संख्या इंडिया के अंदर ही 3000 से ज़्यादा है। ज़्यादातर कहाँ मिलता है ये, ज़्यादातर आपको असम रीजन में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया नेपाल दोनों जगह मिलते हैं, दोनों जगह मिलता है, और एल्यूवियल ग्रासलैंड्स के अंदर तेराई ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिविजन पार्ट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, एंड देन जो लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर किया था उस विनर को देखेंगे। चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी अभ्यास के साथ।
अभ्यास के बारे में देखा था हमने, एयर व्हीकल है ये, ध्यान रखिएगा कोई मिसाइल वगैरह नहीं है, इट्स एन एयर व्हीकल जिसको किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया, और डीआरडीओ के अंदर भी किसने बनाया है, डीआरडीओ का एक सेगमेंट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एडीई, इसने बनाया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताइए तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है जो कि मिसाइल सिस्टम को टारगेट करता है। 1200 उड़ीसा से इसका सक्सेसफुल यहाँ पे एक लॉन्च जो था वो किया गया था। यूएवी के तौर पे काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ करी जाती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करा जाता है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमने नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में देखा था, 1969 में लॉन्च किया गया था, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है इसको लेकर रिवॉर्ड जो है अवार्ड्स वेरियस कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इट्स अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, और जो वॉलंटियर्स होते हैं इसके अंदर नेशनल सर्विस स्कीम NSS के अंदर, वो रिलीफ कार्य को करने में हेल्प करते हैं, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ के हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने देखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में, तो फोरेंसिक साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था LNJP के नाम पर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फोरेंसिक साइंस का इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में लोकेट करता है वो बनाया गया था, और अभी जो रिसेंटली बिल पास किया गया इसको लेके उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर पार्ट ऑफ कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप के बारे में बात करी गई थी, जो वर्कर्स होते हैं उनका साल में एक बार हेल्थ चेकअप किया जाएगा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना यहाँ पे उनका एक लीगल राइट होगा। सीनियर वर्कर्स जो हैं उनको ऑडियो विजुअल वर्कर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे अभी तक सिर्फ आर्टिस्ट को इंक्लूड किया जाता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है इसके बारे में देखा था कि अब एक की जगह दो मेंबर्स होंगे ताकि अगर एक एब्सेंट होता है तो काम कंटिन्यू रह सके, और यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उसके पास डायरेक्टली जाया जा सकेगा अगर कंसीलिएशन स्टेज पे रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। तो लोकसभा ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो अभी इसे रिसेंटली पास किया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। देन रीस्किलिंग रेवोल्यूशन के बारे में देखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया है, इंडिया जो है इसका एक मेंबर स्टेट है, एंड देन इसके अंदर बात करी गई है कि 2030 तक 1 बिलियन लोगों को बेटर एजुकेशन, बेटर स्किल्स और बेटर जॉब्स जो हैं वो देने के लिए कमिट किया गया है। रीस्किलिंग फंड जो है वो भी हमने बनाया है ताकि जो जॉब्स हैं ऐसे लोग जिनकी अभी रिसेंटली जॉब गई है उनको रीस्किल करके दोबारा से जो जॉब है उनको दिलवाई जा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोबारा से लाया जा सके। देन हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के हिसाब से बनाई गई थी, और अभी इसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। रिसेंटली जो है हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 जो है इसको भी पास किया है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। देन डिस्कशन हमारा हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस बिल 2020 के बारे में, 5 IITs जो हमारे हैं यहाँ पर PPP मॉडल के अंदर बनाए गए हैं उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा चुका है। बिल क्या कहता है, बिल कहता है कि अमेंडमेंट जो है वो करी गई है किसके अंदर, इसके अंदर नहीं करी गई, मैंने आपको बताया था नाम क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014 के अंदर अमेंडमेंट करी गई है। राज्यसभा ने अभी रिसेंटली IIIT बिल 2020 को पास किया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। PPP मॉडल के ऊपर IIITs चलाए जाते हैं जहाँ पे सेंटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50% तक रहता है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था वन हॉर्न राइनोस के बारे में, लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज है, इंडिया नेपाल में पाया जाता है, जो एलुवियल ग्रासलैंड्स है कहाँ का, तेरई और ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे। कंजर्वेशन के लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स किए तभी संख्या 3000 से ज़्यादा हो पाई है। असम, वेस्ट बंगाल, UP के अंदर पाए जाते हैं। वेरियस टाइप्स जो थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले सितंबर 22 को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया गया, हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने भी अवेयरनेस के लिए इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि अवेयरनेस होनी चाहिए और जो राइनो की पोचिंग है वो रुकनी चाहिए। जो टाइप्स है वो है जावन राइनो है, सुमात्रन है, वन हॉर्न्ड है, वाइट है, ब्लैक राइनोज है, ध्यान रखिएगा ये टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो MSP इज प्रोवाइडेड ऑन हाउ मेनी क्रॉप्स, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कितनी क्रॉप्स पे MSP जो है उसको अनाउंस किया जाएगा वो मुझे बताइएगा, और MSP जो है ये सजेस्ट कौन करता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब विनर देख लेते हैं, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर किसने किया है, सो मानस यादव ने करेक्ट आंसर किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मानस। अभी आज आपने जितना भी स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इवन दो आपने 0 भी स्कोर किया तो भी उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो वो 0 जो है वो इम्प्रूव आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 6 से ऊपर स्कोर किया तब भी आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, लेस देन 6 स्कोर किया तब भी लिख दीजिएगा। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो PL10 कोड को यूज़ कर लीजिएगा ताकि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।